अल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आपका होस्ट इजाज कुलजम और आप देख रहे हैं टाइम स्टूडियो। नाजरीन, ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी है और हमने आज वादा करना है हम इस ईद पर अपनी झूठी अना झूठी जिद को कुर्बान कर देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे से प्यार बांटेंगे। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब तारा जी। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तारा जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी, आपने क्या किया सारा दिन, आप ईद कैसे गुजारते हैं, क्या खाया आपने, आपकी क्या फेवरेट डिश है? सारी रात जागदा रहे गलां बातां करदे रहे, मैं सवेरे उठा ते मैं कुर्बानी नहीं ना कीती सी, ते मैं फिर सारी गोश्त उड़ीदा रहा, गोश्त उड़ी कर मैं गोश्त आके गोश्त आके गोश्त आके, फिर मेरे बेबी ने मैं इन्ना बड़ा गोश्त खाया, वो टिक्कियां बना बना के बार बार फिर मैं खाई, बड़े मजे की मेरी रोटी बड़े मजे की बना दी, तारा जी मुल्की सियासत पर गुफ्तगू करते हैं। भारत ने कश्मीर की साहत तब्दील कर दी है, कश्मीरियों पर जुल्म और सितम कर रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, आज 6 से 8 दिन हो गए वो भूख और प्यास से बिलख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर सारे लोग इस्लामी रियासतें सारी खामोश बैठे हैं, आपका इस मामले में क्या तासर है, आप कैसे सोचते हैं इसको? मेरा ना वासु नहीं चलगा, मैं वजीर आजम ना तो मैं मोदी ने इतों ही फाड़ कर ना तो दो तीन धर देने सी, बंदे का पुत्र का बनता ही नहीं ना, चाह बेचता सी ना चाह बेचता सी, उन्हें अकल ही कोई नहीं, चाह बेचने में तो कभी अकल ही है, है ना गला काटे फटे, मैं कुछ देर से नाल हूं, मैं मेरा वासु नहीं बेचा, मैं नप देवा बहुत सारे मुझे फर के कश्मीर वाल किसी ने जरा भी मैली आखड़ कटी पाकिस्तान कश्मीर ए साड़ा सारा कुछ साड़ा है, साड़ी ना शाड़ आ गए हाथ ना ला के देखो, मैं नहीं कर दिया मैं फिर के तानू पता ही नहीं मेरा ये था। हाँ नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात करें नए इशू के साथ नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ताला हमारा और आपका आमना सर है, अल्लाह हाफिज़।